नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में हो रहे अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन और मस्जिद में नमाज के बाद निकलने वाले संभावित जुलूस को लेकर बिहार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। दरअसल आज मस्जिदों में नमाज के बाद निकलने वाले जुलूस और अग्निपथ योजना के खिलाफ होने वाले संभावित प्रदर्शन को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा राजधानी पटना समेत पूरे जिले और बिहार के अन्य जिलों में भी अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों और बलों की तैनाती की गई है। राजधानी पटना की बात करें तो मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के साथ ही पर्याप्त संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की कंपनियों को भी बिहार बुलाने की बात कही गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय व प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक सभी एसडीओ और एसडीपीओ को अपने अपने इलाके में भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और अनुरूप संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। इस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह का क्या कुछ कहना, आइए सुनते हैं। जो हमारे पास फोर्सेज उपलब्ध थी वो सभी जिला को दी गई हैं और जिला ने भी अपने रिसोर्सेज को पुलिंग किया है, लेकिन जो विरोध का जो क्वांटम है वो कुछ ज़्यादा है आज कल की तुलना में, और काफ़ी लोग इसमें आ गए, कुछ असामाजिक तत्व भी लोग इसमें जुड़ गए हैं और छात्र के अलावा। तो आज भी कुछ जिलों में तोड़फोड़ की घटनाएँ घटी हैं, आगजनी की भी घटनाएँ घटी हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको नियंत्रण करने के लिए, और कुछ जगह बल प्रयोग भी किया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, तो आशा है कि हम लोग इसको नियंत्रण कर लेंगे। क्या मजिस्ट्रेट के साथ पुलिसकर्मी और? जी, सब जगह मजिस्ट्रेट का पुलिसकर्मी की तैनाती हुई है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक ही जिले में कई जगह वाइड स्प्रेड हो जा रहा है, जिससे फोर्सेस को भी सब जगह पहुंचने में दिक्कत हो रही है। जितने भी संवेदनशील पॉइंट हैं वहाँ पर हम लोग ने लगाया था फोर्सेस को, लेकिन इसके बाद चूँकि स्प्रेड इतना ज़्यादा है कि उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए कुछ जगह घटनाएँ घट गई हैं, लेकिन हमारी पुलिस सब जगह पहुँच कर जो भी गोत्रीय तत्व है उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर रही है, और काफ़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपील मेरी यही है कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि इस तरह से आगजनी करके या तोड़फोड़ करके आम जनता को नुकसान पहुंचा के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर कोई समस्या है या इससे एग्री नहीं करते हैं इस स्कीम से, तो आप अपनी बात शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके या रख के लिखित में ज्ञाप दे के भी आप रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो अगर आपके ऊपर FIR होगी तो फिर तो अग्निपथ के आप किसी भी आपके भविष्य का कोई भी पथ नहीं बाकी रहेगा भविष्य में। तो मेरा फिर से यही अनुरोध है कि इन सब तोड़फोड़ से बचें और इस तरह की कानून को अपने हाथ में ना लें और प्रशासन को सहयोग करें। अभी तक सर FIR हुई है क्या ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ? अगर हुई है तो कितनी जगह पे हुई है? अभी तक कुल 2 दर्जन FIR हो चुकी है और करीब 100 से लोग ऊपर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन आज फिर ये घटनाएं घटी और आज भी FIR होगी इस पर, जहाँ जहाँ घटनाएं घटी है जो भी दोषी लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। और जैसा हम लोग का रहा है कि इस तरह के मास एजिटेशन में या इस तरह से करते हैं तो हमको बाई नेम FIR करेंगे और चिन्हित करेंगे, वीडियोग्राफी कराई जा रही है और मीडिया की क्लिपिंग से हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और बाई नेम FIR करेंगे और उन पर चार्जशीट होगा, और भविष्य में जो है उनको जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ये हम इंश्योर करेंगे कि उनको नहीं मिले। देसवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।